सीधा मैं सुबोध भाई से कहूंगा, सुबोध भाई जी हाँ यार स्वागत का टाइम है, उत्तर मिल पाएगा एक मिनट। अरे मंच तो संगठन का है ना, ये तो चलेगा, ऐसे थोड़ी होगा। मुख्यमंत्री जी आए, मुख्यमंत्री जी आए, यहाँ बैठिए ना। अरे आप क्या प्रभारी मंत्री साले संगठन बोलता नहीं, साले मैं चुपचाप प्रभारी मंत्री बनावा साले, ऐसे आदमी को अरवाई में बताओ साले को। परसों तो पूरी बैठक साले उसने विरोधियों को क्या सब विरोधियों को पैसा दिया, बीजेपी वालों को दिया, किसी संगठन को दिया बताओ, पार्टी के संगठन को दिया किसी ने, सब कांग्रेसों को पैसा बांटा उसने साले, बनावा नहीं होता मंच पकड़ रहा है। अरे तो अपनी वहां मसूरी करने मुझे थकी बोलता नहीं कोई, इसका मतलब ये चूतिया समझ रखा है सबको, वहां भी तुम दादा बनोगे, यहां भी तुम दादा बनोगे, दलाली साले दलाल बने हो तुम, दलाली करते हो सुबह से शाम तक दलाली, क्या छपटी के लिए बुलाते हैं मुख्यमंत्री? अरे छपटी तो मुख्यमंत्री विरोध होना चाहिए, वो तो साले तुम कर सकते, विधायक बड़े क्षेत्र पंचायत ब्लॉक प्रमुख है, ये छपटियां तो कर सकते भाई। सबसे बड़ी दुख की बात देखो ना, यहाँ के संगठन की लिस्ट ही पता नहीं कहाँ गई होगी। अरे सब खत्म कर दिए, जो छपड़ियों के लिए बुला रखा साला दलाल, जो नंबर एक का दलाल यहाँ आ गया दलाली करने के लिए, परसों जो प्रभारी मंत्री बनाया, किसने बनाया साले को प्रभारी मंत्री, सारे सारे पैसा विपरीत में बांट रखा है, नंबर एक का दलाल देखो बना गया सर, दलाली करता सर यहाँ रामेश यादव का मुख्यमंत्री बुलाया था, मुख्यमंत्री से हमें बहुत उम्मीद थी, हम तो इसलिए आए थे, मैं रोहन जौनपुर एसोसिएशन का अध्यक्ष बोल रहा हूँ, चौहान पूरा देहरादून में रहता हूँ, मैं राजनीति नहीं करता, मैं समाज के लिए काम करता हूँ, सामाजिक कार्य करता हूँ ना, पर ये गद्दारी हमारे साथ हो रही है, हमारे साथ न्याय हो रहा है, अन्याय हो रहा है भाई, हमें मुख्यमंत्री से बहुत अपेक्षाएं थी कि क्षेत्र के लिए कुछ बढ़िया काम करता चलाओ, भाई मंडी की मांग की बहुत बढ़िया, उसके लिए बधाई देते हैं उनके लिए, और भी ऐसी बड़ी मांग थी, हमें देहरादून जमीन को उन्होंने 5 करोड़ की स्वीकृत किया, उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं, ऐसे दलालों को सारे बीच में ला गए साले, वो कोई भी हो, जाति का हो, किसी का भी हो साले, हो दलाल हो किसी ने, किसी भी जाति का हो, चाहे ठाकुर जाति का हो, चाहे ब्राह्मण जाति का हो, चाहे सिविल कास्ट का हो, दलालों को सारे जूते मारो साले। अरे बोलते नहीं कोई, इसका मतलब सारे इतनी बड़ी बड़ी मांगे सब खत्म कर दिया, हमारे क्षेत्रीय विधायक तो किसी ने बोलने दिया भाई, क्यों यहाँ भी तुम नेता बना के बैठो, केदार सिंह था, राजकुमार था, मालचंद था, वो राजेश जोंडा था, जितने बड़े हमारे विधायक मंडल नेता तो है ना, तुम्हारे मान्य नेता सारे साले, तुम हमारे नेताओं के साले अनदेखी करते हो, हमारा जिला अध्यक्ष था रमेश चौहान से, उसको नहीं बुलाएंगे जो हमारे नेता है पार्टी का, उसको क्यों नहीं बुलाया बताओ साले, तुम यहाँ भी नेता बनोगे, वहां तुम नेता बनोगे साले, चौधरी बनोगे साले, तुम दलाली करोगे अरे बहन के हरामी के बच्चे, ऐसे गद्दारों को जूते मारो सालों को, भाई साहब ये विरोध तो जाना चाहिए गणेश जोशी के पास, उसको जूते मार जाए पता लगना चाहिए, हमारे नेता जो है ना रमेश चौहान था, हमारे नेता केदार सिंह था, हमारे नेता 2022 की बात करें या 2000 हमारा जो अभी जो प्रजन चल रहा है, अभी 4.5 साल से ऊपर का कार्यकाल हो गया, आप अपने विधायक से कितने संतुष्ट हैं और आगे की आपकी क्या रणनीति है? जी सर, हम बहुत ज़्यादा खुश हैं, 5 साल हो चुके हैं, इन्होंने अभी धारी गांव में अभी तक पानी नहीं है, रास्ते नहीं बने हुए हैं, एक आंगनबाड़ी सीट आई है वहाँ भी अपनी बहू को वहाँ पर शिफ्ट किया है, ठीक है, कोई उपलब्धि नहीं है, हम इनको नहीं चाहते, हम इनसे बिल्कुल खिन्न हैं, सब नाराज हैं इनसे, सिर्फ ये 2 आदमी हो गए, 3 हो थे, 4 हो, बात खत्म, इससे 5वां कोई नहीं है, गांव से अपने गांव से ठीक कमीशन, वो कोई अपने चाचा के भाई के बेटे बना रखे, बीच में दलाल कोई ठेकेदारी करता, कोई खरीदारी करता, बॉन्ड इनके होते हैं, हमारे गांव के जो लड़के हैं वो हिमाचल मजदूरी करने को हिमाचल जा रहे हैं, सही बात, ठीक है, गाँव में किसी को मजदूरी नहीं, कोई लेबर का काम नहीं करवाते इनसे, बिल्कुल मजदूरी दो, हम लोग बिल्कुल जो है पूरा विरोध होगा, ये तो नहीं मारेगा, हम चकनी 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 हम चक
Thank you.